और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। नवनीत राणा से विवाद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, हनुमान चालीसा और दूसरी चीजों के पीछे अंडरवर्ल्ड का पैसा है, ये कहा संजय राउत ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसुफ लड़का वाला से नवनीत राणा का कनेक्शन है। तो यूसुफ लकड़ा वाला से नवनीत राणा का कनेक्शन है, संजय राउत ने कहा और बड़ा हमला यहां पे बोला है। नवनीत राणा से विवाद के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लकड़ा वाला, यूसुफ लकड़ा वाला, आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहां भी, आपको पता चलेगा उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था, लकड़ा वाला की जिसके जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए थे, वो सबको सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था, 80 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई, क्यों छुपाया गया, नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? ये सवाल मेरा सिर्फ ईडी को नहीं है, ये सवाल ईओडब्ल्यू को भी है, मुंबई के कोई तो बचा रहा है। उससे एक एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है, अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है, अंडरवर्ल्ड दहशत और टेरर यहाँ निर्माण करना चाहता था ऐसे लोगों को पकड़कर, उनको पैसा कहाँ से आता है। प्लीज ज्यादा अपडेट्स के लिए मेरी दो सहयोगी मीनाक्षी और शालिनी जुड़ चुकी हैं मुंबई से ही, सीधा शालिनी की तरफ सबसे पहले मैं रुक करूंगी। शालिनी, एक बार फिर से देखिए, अंडरवर्ल्ड का मुद्दा गरमाया और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है पिछले भी केसेस अगर हम देखें खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन लगातार जुड़ता हुआ आया है और संजय राउत जो कि पिछले दिनों लगातार विवादों से घिरे हुए हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दे डाला। बिल्कुल, और संजय राउत ने एक तीर से दो निशाने चले हैं, उनका जब वक्तव्य आप सुनेंगी तो वो उसमें ये कह रहे हैं कि कोई तो है जो राणा को बचाने की कोशिश कर रहा है, सीधा हमला ये बीजेपी के ऊपर भी है। अच्छा, वैसे ये जांच का विषय है, संजय राउत का कहना है, उन्होंने इस पूरे मामले को देश की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया है और ये कहा है कि ईडी को इस पूरे मामले में आगे जांच करनी चाहिए। देखिए, एक उन्होंने एक कॉपी भी अटैक की है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, ट्विटर पर उन्होंने जो ट्वीट किया है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 80 लाख का लोन नवनीत राणा को मिला है एजाज लकड़ावाला से, और उनका ये कहना है कि 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजाज लकड़ावाला के ऊपर जो जांच बिठाई गई थी उसमें ये 80 लाख वाला जो मामला था, मतलब जो लोन लिया था नवनीत राणा ने, उसे छोड़ दिया गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाई गई। तो वो अब ये गुजारिश भी कर रहे हैं ईडी से कि इस पूरे मामले की जांच ईडी करे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या ये कल तक कागज संजय राउत के पास नहीं था? अगर था तो उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया था, और इतना बड़ा मुद्दा क्या उसे ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर सामने रखना और ईडी से इसकी मांग करना, ये क्या ठीक है या नहीं? क्या राणा दंपति की गिरफ्तारी के बाद अब जबकि शिवसेना के हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठने लग गए हैं तो वो इसलिए तो नहीं राणा दंपति को टारगेट कर रहे हैं? हालांकि ये पूरा मामला जात से जुड़ा हुआ है, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर संजय राउत को ये अब क्यों याद आ रहा है? जी बिल्कुल शालिनी, आपने सही कहा, मीनाक्षी भी हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, बहुत बड़ा सवाल जो शालिनी भी कह रही है कि आखिर अब क्यों संजय राउत को याद आ रहा है, पहले वो कहाँ थे? और दूसरी बात ये कि हनुमान चालीसा के पीछे अंडरवर्ल्ड का पैसा है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप संजय राउत यहाँ पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल प्रीति है कि आखिर अचानक से संजय राउत को ये कहां से याद आ गया कि अंडरवर्ल्ड दाऊद से उनके कनेक्शन है या वहां से कहीं लोन लिया है, बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में देखिए, नवनीत कौर के मामले में अब डी कंपनी की एंट्री हो गई है, बकायदा जो चुनावी हलफनामा है नवनीत राणा का उसको ट्वीट करते हुए, उसको पोस्ट करते हुए लिखा है यहां पर संजय राउत ने कि यूसुफ लकड़ा वाले से 80 लाख रुपए का लोन लिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, राष्ट्रहित का मामला बता दिया, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बता दिया और इसकी जांच की मांग की। लेकिन बड़ा सवाल, जिस तरह से शालिनी भी कह रहे
रही थी कि क्या इस तरह से ट्विटर पर ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से क्या जांच की मांग सही है, ये नहीं किया जा सकता। इसके बजाय कि अगर आपको लगता है सही में कहीं कोई शक है, कोई गुंजाइश है कहीं गलती की, तो आप उसकी कंप्लेन करें, कंप्लेन फाइल करें, जांच करवाएं उसकी। तो ये एक बड़ा मामला है। देखिए राष्ट्रहित से जुड़ा मामला है तो इसलिए भी बड़ा गंभीर हो जाता है। आप इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जांच की मांग नहीं कर सकते ईडी से। तो यहां पर प्रीति समझने वाली बात है। इसके साथ ही देखिए जो शालिनी भी बता रही थी कि कहीं ना कहीं संजय राउत को, शिवसेना को यह लग रहा है कि उनके हिंदुत्व के जो उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसे कोई और अब उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई और ज्यादा शक्तिशाली चेहरा उनके सामने अब बनकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस खतरे को समझते हुए भी, उसको गंभीरता को समझते हुए भी इस तरह से लगातार वो नवनीत राणा को, उनके पति को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति ठीक है। शालिनी एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राणा दंपति, अगर नवनीत राणा हनुमान चालीसा करती है तो राजद्रोह का केस दर्ज हो जाता है। दूसरी तरफ जो बयान सामने आ रहे हैं, आखिर इन पे क्यों नहीं कोई केस दर्ज होता है? कागज ठूस लूंगा भू में, आप यहां पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सीधे तौर पे कह रहे हैं, तो बिना फैक्ट्स के इस तरीके का गंभीर आरोप लगाना किस हद तक सही है? नहीं देखिए, संजय राउत की तरफ से एक कागज का टुकड़ा तो ट्वीट जरूर किया गया है, वो कितना सच है कितना गलत है ये जरूर जांच का विषय हो सकता है। लेकिन संजय राउत जैसे नेता, मुझे लगता है अगर किसी बात को कह रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल पहले जरूरी है और फिर उसके ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए ये हल्का मामला नहीं है। यूसुफ लकड़ा वाला की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में उसका पैसा लगा हुआ है, एक बड़ा फाइनेंसर उसे बॉलीवुड का माना जाता है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि नवनीत राणा जो है वो साउथ की फिल्मों से जुड़ी रही है। चलो बॉलीवुड से उनका ताल्लुक नहीं है लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड से उनका तालुक रहा है, साउथ की फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री वो रही हैं और स्टारडम उनके पास है। तो इस स्थिति में अगर लकड़ा वाला के साथ उनका कोई संबंध कभी रहा हो या जो भी पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला, ये जांच का विषय अलग हो सकता है। सवाल यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना खड़ा कर रही हूँ कि संजय राउत को ये पूरा विवाद जब हुआ तभी इसकी याद क्यों आई? कोई भी पाक साफ नहीं है, ये हर कोई जानता है। बिना जांच के ये भी हम नहीं कह सकते कि नवनीत राणा ने पैसा नहीं लिया होगा, लोन नहीं लिया होगा, उसकी जांच हुई या नहीं हुई, ये सब अब ईडी की जांच का विषय है और जो जांच एजेंसियां हैं वो जांचेंगी परखेंगी। लेकिन अगर ये मामला संज्ञान में संजय राउत के था तो अब तक छिपा कर क्यों रखा हुआ था? और अब जबकि शिवसेना लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो भी शिवसेना की तरफ से चाल चली जा रही है पलटवार में, उसकी तरफ से एक बड़ा कोई तरीका राणा दंपति की तरफ से, उनके वकील की तरफ से हर बार अख्तियार किया जा रहा है। तो संजय राउत जब अभी ऐसा सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर भी जरूर शक की निगाह से हम देखेंगे। अच्छा, जो रिजवान मर्चेंट है राणास के वकील, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन जरूर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पहले उनकी तरफ से एविडेंस आने दीजिए, वो किसी प्रमाण के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ जब सामने आएंगे तभी इसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगा। अभी मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा विषय किस पर रिएक्ट किया जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल शालिनी, आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ सकती है, जानकारी मिल रही है यूसुफ लकड़ा वाला कनेक्शन को लेकर। दरअसल मामला दर्ज हो सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रखे हैं, नवनीत राणा पर लकड़ा वाला से 80 लाख रुपए लेने का भी आरोप यहां पे लग रहा है। मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा अब इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल करेगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और शालिनी, मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, हमने देखा है जैसे कि करिश्मा भी कह रही थी कि जब भी महाराष्ट्र की सियासत में कुछ उथल पुथल होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो जाती है, क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए महाविकास अघाड़ी की सरकार है राज्य में और ऐसे में जाहिर सी बात है अगर कुछ गलत लगता है तो उनकी सरकार है, वो जांच के आदेश दे सकते हैं, बल्कि इस तरीके के एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय। बिल्कुल प्रीति, देखिए यही तो बड़ा सवाल है ना कि आखिर अगर इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर मामला है, राष्ट्र के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो क्यों नहीं उसकी जांच कराई जा रही है? और क्या ये मामला अभी पता चला संजय राउत को? और अभी पता चला तो सोशल मीडिया कोई एक जरिया नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए आप इस मुद्दे को नहीं उछाल सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, पहले ये मामला दर्ज होना चाहिए उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि देखिए यहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से सियासत गरमाई हुई है, लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, इस बीच अचानक से इस मुद्दे को उछाल देना और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को रखना ये एक बड़ी बात है। हालांकि जिस तरह से भी आप बता रही थी कि हो सकता है आने वाले समय में इसकी जांच भी अब हो, तो जांच में ये पता चलेगा कि अब क्या इस सच में लोन लिया था यूसुफ लकड़ा वाले से और यूसुफ लकड़ा वाले के क्या दाऊद से कनेक्शन है, ये तमाम बातें अब जांच के बाद ही साफ होंगी। लेकिन एक बात तो इन सबके बीच साफ है प्रीति कि मुश्किलें नवनीत राणा और रवि राणा की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पहले भी देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट से उसके बाद कल सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, बेल नहीं मिली, 29 तारीख का इंतजार है। लेकिन इस बीच अब इस तरह से लगातार जो आरोप लगा
लगा रहे हैं संजय राउत, क्या इन आरोपों को अब दर्ज किया जाता है? और आरोपों को दर्ज करने के बाद जांच होती है और अगर कहीं ये थोड़ी सी भी सत्यता पाई जाती है तो एक बात साफ है कि जो मुश्किलें हैं नवनीत राणा की वो और बढ़ जाएगी। ठीक है शालिनी, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड पर हैं और इस पूरे केस को कवर भी कर रही हैं, पैसों के लेन देन का आप जो आरोप लग रहा है इससे कितनी मुश्किलें राणा दंपति के यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? ये कहा जा रहा है कि राणा दंपति के ऊपर कोई दूसरा मामला इससे जुड़ा हुआ भी अब दर्ज किया जा सकता है, लेकिन एक चीज मुझे स्पष्ट करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि इसके पहले आपने सवाल पूछा था कि राज्य में शिवसेना की सरकार है, महाआघाड़ी सरकार है, तो क्यों नहीं वो खुद जांच बिठाते हैं। देखिए ईडी जो है वो राष्ट्रीय एजेंसी है और ये पीएमओ तय करेगा या केंद्र की सरकार तय करेगी कि ईडी इस मामले में आगे बढ़े या ना बढ़े या किस मुद्दे को ईडी को छेड़ना है या किस में जांच बिठानी है। राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। इस लिहाज से संजय राउत अगर अपील कर रहे हैं ईडी से कि आप क्या इस पर जांच बिठाएंगे, क्या राणा दंपति की जांच होगी, 80 लाख का जो लोन का मामला था उसे छोड़ दिया गया और बाकी जो मामले लकड़ा वाला के ऊपर थे उसकी जांच की गई, तो इस लिहाज से जो बातें वो कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा, ये ईडी का अधिकार है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है। दरअसल मेरा ये कहना था कि इससे पहले भी हमने देखे कि तमाम आरोप ऐसे एक दूसरे पर लगाते रहे हैं राजनेता, तो उसको लेकर जब सरकार रहती है सत्ता में तो वो कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती है? दरअसल जाहिर सी बात है ईडी के पास से मामला है और वो केंद्र सरकार इसकी जांच करके आदेश देगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा।